हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ यू पिन्स की और बॉबी पिन्स की। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यू पिन्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने पास ये 4 टाइप्स की यू पिन्स रखती हूँ और 2 टाइप्स की बॉबी पिन्स रखती हूँ। तो मैं सबसे नंबर 1 पे जिनसे मेरे पास यू पिन्स है, इसको हम जंबो यू पिन्स बोल सकते हैं या बिग यू पिन्स बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसका साइज देख लीजिए कितनी बड़ी है ये। अगर मैं इसको अपने हैंड पे भी रख रही हूँ तो आप ये देखिए कितना बड़ा जो इसका साइज है। तो इसको हम बिग साइज की यू पिन्स बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे मेरे पास है मीडियम साइज की यू पिन्स। आप इसको देख लीजिए, इसका जो है ये कितना छोटी है, इसे हम मीडियम साइज की यू पिन्स बोलते हैं। और इसके बाद ये स्मॉल साइज की यू पिन्स होती है हमारे पास। और इसके बाद जो मेरे पास यू पिन्स है, इसको हम इनविजिबल यू पिन्स बोलते हैं। आप ये देखिए, आप इन दोनों पिन्स को कंपेयर कीजिए, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस में कितना फर्क है, इसलिए इसको इनविजिबल यू पिन्स बोलते हैं। तो जो पिन्स है मेरे पास वो ये 4 टाइप्स की है। और मैं आपको बॉबी पिन्स के बारे में बताऊंगी। ये मैंने 2 टाइप्स की रखी हुई है, ये बिग है, ये मीडियम है। और मीडियम से छोटी भी बॉबी पिन्स आती है, पर मैंने वो नहीं ले रखी है। तो इसको बोलते हैं बिग साइज की और इसको बोलते हैं मीडियम की। और इसके अलावा एक इससे छोटी भी बॉबी पिन्स आती है, तो वो मैंने नहीं ली हुई। मैंने सिर्फ ये 2 रखी हुई है। जो यू पिन्स और बॉबी पिन्स मेरे पास हैं वो सिर्फ यही हैं। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। जो मैं यू पिन्स यूज करती हूँ वो जो कंपनी है, ये एकता कंपनी की मैं यू पिन्स यूज करती हूँ, यू पिन्स बॉबी पिन्स। और ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छी है। तो आप भी अगर बिगनर है, आपको समझ नहीं आ रही है कि आप कौन सी आप कंपनी की यू पिन्स या बॉबी पिन्स यूज करें, तो आप ये वाली कीजिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मेरे पास जो बड़ी साइज की है वो भी सेम इसी की ही है। तो मैं आपको इसकी एक चीज बताती हूँ। मैंने जो यू पिन्स ली है, मेरी किसी भी अगर आप कोई और यू पिन्स लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया होता है, वो गोल सा होता है। जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, तो हम जब पिन्स को अंदर टाई करते हैं तो वो जो गोला यहाँ पे जो ऊपर दिया होता है उन्होंने यहाँ पे अलग से, तो वो क्या होता है वो अंदर नहीं जाता है। जो से ये वाली यू पिन्स होती है इसके अंदर कुछ नहीं दिया होता है और ये इजी से चला जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं, आपको समझ नहीं है कौन सी पिन्स आपको लेनी है, तो आप बिल्कुल ये वाली यूज कीजिए, ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो पिन्स कैसे यूज करते हैं तो अब मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे ये मेरे पास हेयर डमी है, तो यहाँ पे जब हम आगे क्रिएटिविटी देते हैं तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये कितना उठा हुआ है। तो हमें इसको मतलब कि ऐसे सेट करना है, ये उठा हुआ हमने नहीं लाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाने के लिए फर्स्ट लेयर दी है। अगर हम ऐसे ही 3 लेयर्स देते हैं तो हमारा जो सा ये वाला हेयर स्टाइल है ये यहाँ से काफी उठा हुआ है। तो हमें इसको सेट करने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी मैंने आपको यू पिन्स दिखाई थी, ये वाली बिग वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ऐसे करके हम ऐसे करेंगे। तो जिससे क्या होगा, ये जो हमारे हेयर्स जो ऊपर उठे हुए थे ये बिग यू पिन की वजह से ये अंदर ऐसे बैठ गए। अगर हम इसकी जगह छोटी यू पिन्स लेंगे जैसे ये वाली है, तो ये हमारा सिर्फ इतना आएगा, ये पूरा कवर नहीं कर पाएगा। और ये बड़ी वाली यू पिन्स ने पूरे यहाँ तक, आप देख रहे हैं यहाँ तक इस पूरे हेयर सेक्शन को कवर किया है। तो इसलिए जो बिग यू पिन्स का काम होता है वो हमारा काम होता है हेयर स्टाइलिंग को सेटल करने में। अगर हम रोज पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए भी हमने रोज पैटर्न जब हम ऊपर उठाते हैं यहाँ से हेयर्स को, तो उसको सेट करने के लिए, होल्ड करने के लिए ये जो बड़ी यू पिन है ये काम आती है। छोटी यू पिन्स हमारे हेयर्स के अंदर चली जाएगी तो उससे वो वाला हेयर डू नहीं आ पाएगा। तो जो हमारी बिग यू पिन्स होती है ये हेयर को सेट करने के काम आती है, और ये पूरी बड़ी होने के कारण तो ये हमारा पूरा सेशन कवर करती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो मीडियम हमारे पास यू पिन्स है ये किस काम की आती है। जैसे हमने यहाँ पे पोनी की, कोई भी क्लाइंट की हमने यहाँ पे पोनी कर रही है और उसके बीच में हमने लगाना है डोनट। तो जैसे ये हमने डोनट लगाया और इस डोनट को हमें यहाँ पे फिक्स करना है, तो उसके लिए हमें ये यूज करनी है जो मीडियम हमारे पास यू पिन से, हम वो फिक्स करेंगे। तो मीडियम यू पिन से क्या होगा, जब हम इसको यहाँ से फिक्स करेंगे तो इसको हमें ज्यादा यू पिन्स नहीं लगानी पड़ेगी, हम 2 या 3 यू पिन्स लगाएंगे। जो हमारा हेयर जो हमारा ये डोनट है ये फिक्स हो जाएगा, ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। अगर हम छोटी वाली यू पिंस की बात करेंगे तो ये छोटी वाली पिंस हमें काफी लगानी पड़ेगी और जो हमारा डोनट है तब जाके ये स्टे करेगा, फिक्स होगा। और जो इससे बड़ी वाली मैंने आपको मीडियम साइज की यू पिंस लगाई है ये वाली, और इससे क्या होगा, इसके में हम 3 ही यू पिंस लगाएंगे जो हमारा डोनट है वो फिक्स हो जाएगा। तो अगर हमने कोई भी चीज, अगर हमने डोनट फिक्स करना है जहाँ स्टफिंग लगानी है तो उसको होल्ड करने के लिए हमें जो मीडियम साइज की यू पिंस होती है हमें वो लगानी होती है, ताकि हमारा जो सा प्रोडक्ट है जो हम डोनट लगा रहे हैं वो और हमारे हेयर दोनों आपस में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इसकी होल्डिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम ये वाली पिंस यूज करते हैं। और इसके बाद मेरे पास थी स्मॉल यू पिंस। हम इसका किस लिए यूज करते हैं, हमने इसको अच्छी तरह होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद जब हमने जैसे कोई भी क्रिएटिविटी करी, मैं आपको बता रही हूँ, हमने कोई भी क्रिएटिविटी करी, जैसे हमने ये हेयर लिए और हमने इसको यहाँ पे ऐसे टाई करना है, तो इस टाई के लिए हमें जो स्मॉल यू पिन ही यूज होगी, हम बिग जो यू पिन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अगर इतनी क्रिएटिविटी अगर हमने एक पे हमने ऐसे करा, इसको हम यहाँ पे इसको होल्ड कर देंगे कुछ इस तरह। तो हमने ऐसा ही इसको बाद में इसमें कुछ भी हमने क्रिएटिविटी करी जहाँ इसको हमने पुल कर लिया कि हमारा जो ये हमने इतना जो पोर्शन लिया ये अच्छा लगे। और अगर हम ये पूरे हेयर पे इसी तरह से हम होल्ड करेंगे तो बिग जो पिंस होंगी मीडियम साइज की, तो क्या होगी हमारे यहाँ पे पिंस सारी जो यू पिंस होंगी वो आपस में क्रैश होंगी, तो हमारे पिंस लगाने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो मीडियम साइज की यू पिंस होती हैं वो हम यूज करते हैं, जैसे जो मीडियम साइज की यू पिंस होती है वो हम यूज करते हैं जैसे स्टफिंग को, डोनट को, इसको होल्ड के देने के लिए। जो छोटी स्मॉल साइज की होती है उसको हम क्रिएटिविटी में यूज करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इनविजिबल यू पिंस। इनविजिबल यू पिंस हम यूज करते हैं जैसे हमने ये 2 सेक्शन हमने साथ में कर लिए और हमें पता चल रहा है बीच में गैप है, तो हम थिक यू पिन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम थिक यू पिन यूज करेंगे तो वो शो होगी। और इनविजिबल में क्या होगा, अगर हम 2 सेक्शन 3 सेक्शन को आपस में अगर हम मर्ज भी करते हैं तो वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी थिन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारी हेयर पिन, बॉबी पिन की। तो जैसे हमने यहाँ पे हेयर पफ बना लिया। पफ बनाने के लिए अगर हम छोटी बॉबी पिंस यूज करेंगे तो हमें बहुत सारी यू पिंस को उससे होल्ड करना पड़ेगा, वो बाल पूरे नहीं आ पाएंगे छोटी वाली बॉबी पिंस में, इसलिए हमें ये बड़े साइज की बॉबी पिंस चाहिए होती है। जब हम पफ बनाते हैं किसी चीज को होल्ड करके एक जगह पे करते हैं तो हमें ये जो बड़ी वाली पिंस है हमें वो यूज होती है। और अगर सेम जो छोटे वाली पिंस है वो हम तब यूज करते हैं जैसे हमने ये क्रिएटिविटी करी, हमारे कहीं से हेयर्स निकल रहे हैं, हमने उसको अंदर की तरफ करने हैं, तो वहां पे हम छोटी यू पिंस लगाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे हेयर है उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमने क्रिएटिविटी करी है वो भी नहीं, उससे खराब नहीं होगी। क्योंकि जब हम बड़ी वाली पिंस अप्लाई करेंगे तो जो हमारी क्रिएटिविटी होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपको पिंस की नॉलेज मिल गई है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।